मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के कारण जांच कराने वालों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां भी उड़ रही है। जांच कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं ज्यादा भीड़ होने से कोरोना का संक्रमण फैलने का भी डर सता रहा है। तस्वीरें अस्पताल के हालात को खुद बयां कर रही है, जबकि अधिकारी पूरी व्यवस्था होने का दावा करने से पीछे भी नहीं हट रहे। अस्पताल के जो कोरोना जांच वहाँ पर भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन नहीं हो रहा है। पालन तो हम ही आपके जैसा लोग ने वहाँ पर जा रहे हैं देने के लिए। डेली तो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है। वहाँ सब लोग को मास्क के लिए है, हमने तीन स्टाफ को वहाँ लगाया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग भी, या जो कुछ सिम्टम है वो लोग अपने आप में जब तक उनको समझ नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी हम लोग का प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग है। कैसा बहुत तबीयत खराब है, खांसी होता है और बढ़ जाएगा, खराब होने से दिक्कत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे व्यवस्था पूरी ठीक है, खराब है, ठंडा में रहना पड़ता है, अभी गर्मी खड़ा है धूप में। आदमी आएगा तो यहाँ पे बीमार पड़ जाएगा, तब पड़िए जाएगा और थोड़ा में बहुत हो जाएगा। व्यवस्था का क्या हाल है? व्यवस्था बुरी है सर, बहुत बुरी है। छोटा काम करने इतना टाइम लग रहा है, केवल आधार कार्ड नंबर लिखने में इतना समय लग रहा है सर। आधार का नंबर भी नहीं लिख रहा है, खाली उसको लेना है कागज आधार कार्ड, एक नंबर लेकर देना है अस्पताल में। क्या कहेंगे सदर अस्पताल की, मतलब व्यवस्था क्या है यहाँ पर? व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है सर, जल्दी काम करेंगे तुरंत हो जाएगा सबके लिए ठीक। बिहार के कई जिलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद चिन्हित जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिले में लगभग 6000 से अधिक संक्रमण का मामला सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से कोरोना का संक्रमण और भी तेजी से फैलने का खतरा मंडराने लगा है। जिले के सिविल सर्जन का दावा है कि जिले में 1000 से ज्यादा कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन कहीं भी यह दिखाई नहीं दे रहा। जिले के कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। उसमें से मैक्सिमम केस ऐसे हो जो शहरी क्षेत्र से हैं, वो उस क्षेत्र से आ रहा है, और इधर 3-4 दिन से देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव केस जो है ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कम्युनिटी स्प्रेड जो है हो रहा है, और जो भी पेशेंट पॉजिटिव हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। शुरू में 2-3 दिन तक जो सिम्टम रहता है, हल्का फुल्का सिम्टम रहता है, पेशेंट को समझ में आता नहीं है। पेशेंट को जब एकाएक जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उस स्थिति में वो जो है बाहर निकलता है, दिखलाने के लिए निकलता है, या तो वो सरकारी अस्पताल में जो हम लोग का ग्लोकल अस्पताल है वहाँ आता है, या फिर मेडिकल कॉलेज में जाता है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ पर है वहाँ जाता है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होने की वजह से रेलवे ने कई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क बढ़ा दिया है, ताकि स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ ना हो। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के रेल यात्रियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि रेलवे की इस मनमानी से गरीबों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं कई यात्री रेलवे के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। जरूरी थी कि भीड़ ज़्यादा बढ़ती थी, इसलिए किराया बढ़ाया गया कि इससे भीड़ कम हो। कोरोना काल में ये तो बहुत अच्छा काम किया गया है रेल प्रबंधक के द्वारा। सर गरीब हैं, लेकिन कारण है कि अभी एक आदमी को चढ़ना है, उनके साथ 5 आदमी आते थे। देखिए यह जो है ना, मतलब यह सोची समझी रणनीति है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, सिर्फ नुकसान है और कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पहले जो 5-10 रुपये का टिकट था, अभी 50 रुपये का टिकट लेना पड़ रहा है, कमाई है नहीं, एक पैसे की कमाई नहीं किसी को भी, तो इससे क्या फायदा।